इंडियन पीपल्स पार्लियामेंट ऑनलाइन देखा এই মুহূর্তে বাংলার সেরা ইউটিউবার সেরা প্রেজেন্টার নরেশ জৈন এমনি इंडियन पीपल्स पार्लियामेंट ऑनलाइन। आप जब पार्लियामेंट से कुछ न्यूज़ सुनते हैं तो सब कुछ चिल्ला रहा होता है, कुछ क्लियर मैसेज मिलता नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष हजारों हजारों करोड़ का स्टोरी सुनकर गरीब हो रहा है। और दूसरा भारत, भारत के अंदर एक इंडिया है और एक भारत भी है जो सोशल वर्ल्ड है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो चर्च है। इसलिए अब हम लोग वो चीज़ करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड को जोड़ कर ही रखा है, बट किसी ने कोशिश नहीं किया। आप त्रिपुरा में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ से 7 जन को सुनिएगा। यही होगा हमारा इंडियन पीपल्स पार्लियामेंट ऑनलाइन। देश के हित में उन लोग क्या करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाह रहे हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट था न्यूज़पेपर बैंक। मैंने में एक दिन आप अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने चर्च में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने पार्टी ऑफिस में, अपने घर में किसी को भी बोल सकते हैं, एक लीफलेट दे के अपने पाड़ा में, जो आपके घर में पुराना खबर का कागज़ खाता बुक जमा करके जाए, उसको सेल करके जो फंड होगा उसी को हम लोग कह रहे हैं सोशल फंड ऑफ इंडिया। 20% फॉर डेवलपमेंट, हर घर को सोलर बनाना, 20% पेइंग टू द कमिटी विथ वन यूट्यूबर, ताकि वो लोग इस हित में, देश हित में काम करते ही जाए, हम लोग नेशनलिस्ट फोर्स बना सके जो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेगा। 60% वो पैसा है एजेड लोग का पेंशन एंड पेइंग टू ए किसान। सोचिए आपके मंदिर में आपने 1 लाख उठाया, 20% आपने डेवलपमेंट के लिए गरीब घर को सोलर बनाना शुरू कर दिया, तो एक पुजारी जो मंत्र पढ़ता है वो देश का भविष्य भी लिख सकता है। 20% पारे के लोग जो दे रहे हैं उनका आपने कमेटी बनाया विथ वन यूट्यूबर, माने आपका भी प्रचार हो रहा है। जैसे भावना मुख अभी त्रिपुरा का न्यूज़ आपको दिखाएगा, डॉक्टर सुजीत देवनाथ का 60% पैसा कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सोचिए आपके वहाँ पर काफ़ी बेकार होंगे, आप एप्लीकेशन लीजिए जिन लोग न्यूज़पेपर जमा कर रहे हैं, किनको किनको काम चाहिए। हो सकता है परमानेंट काम ना दे सकें, बट मंदिर के चारों तरफ गाछ लगाने का काम दे सकते हैं। तो गाछ लगाने के लिए आप 350 रुपया पर डे उनको दे भी सकते हैं। ये गाछ जब बड़ा हो जाएगा किसी की लड़की के शादी में, इस गाछ को बेचकर इसको भी कुछ दे सकेगा, उस लड़की को भी कुछ दे सकेगा। डाउरी देने का बात नहीं कर रहे हैं, वो घर चला सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो हमारा देश का हर नागरिक इंडियन पार्लियामेंट ऑनलाइन में आकर अपना भाषा बोल पाएगा, अपना भाषा में बोल पाएगा। वो जहाँ से भी ये आएगा वो लोग सबटाइटल करके स्क्रीन में क्या लिखा जाएगा भेज देंगे, वो हम दिखा देंगे, तब जाके हमारा देश जुड़ेगा। और आनंद मार्गी लोग एक 3 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं त्रिपुरा में, आनंद मार्गी लोग पूरा वर्ल्ड में हैं। ये प्रचारक कमेटी का ही मीटिंग चल रहा है। आज अगर ये लोग वीडियो बेच पाएँ 7 जन 10 जन 12 जन का हर रोज़, वो क्या बोलना चाह रहे हैं देश हित में, देश के अर्थनीति को लेकर, देश के शांति के लिए, देश का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, फिजिकल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, मेंटल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, कौन सा बुक्स पढ़ेंगे। काफ़ी सारे स्कूल ये लोग खोल चुके हैं, तब हमारा देश एक स्टेप दो स्टेप करके इतना आगे बढ़ेगा कि वर्ल्ड सिटीजन फोरम भी हम लोग फॉर्म कर पाएंगे। तो हर आदमी के लिए, माने प्राइम मिनिस्टर के भी अच्छा मांगिए, डिफेंस मिनिस्टर का भी अच्छा चाहिए, होम मिनिस्टर का भी अच्छा चाहिए, हर MP MLA भी कहीं जाके न्यूज़पेपर जमा कर सकें, ताकि वो सिटीजन्स लोग के काम के लिए काम कर सके और सिटीजन देश के लिए काम कर सके। हर कोई इंसान के काम आए, तभी तो ये जगत ग्रेट होगा। यही तो कहना चाह रहे थे हमारे देश के इतने सारे लोग जो हमारे आगे पैदा हुए, जिंदगी दे दिया, जीवन दे दिया, गंगा क्लीनिंग के लिए जीवन दे दिया, कल गाय के लिए जीवन दे रहे हैं। आइए एक खुशहाल पूरा पृथ्वी बनाएं। डॉक्टर सुजीत देवनाथ जो इन्होंने त्रिपुरा से भेजा है, उनका वक्तव्य जरूर से सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। आज 2 फेब्रुआरी 2023 हमरा आज हुजाई आनंदमार्ग प्रचार संघ कृष्णनगर हुजाई नोआगाँव फार्ष्ट डायसिस लेवल सेमिनारे हमरा एखाने देखते पाच्छी। आमादेर सद्य दादा एखाने रयेछेन। दादा आपनार शुभ नाम? आचार्य प्रीतम भवानंद अवधूत। अच्छा दादा, ये जे आनंदमार्ग प्रचार संघे फार्ष्ट डायसिस लेवल सेमिनारे कि उद्देश्य कि लक्ष्य? আমাদের এই ফার্স্ট ডায়সিস সেমিনারের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ, এবং আমাদের সাথে সাথে থাকবে শারীরিক, মানসিক
आध्यात्मिक विकासेर जोन्नो जा करणीय जेगुला मानुषेर दैनन्दिन जीवने प्रयोजनीय सबार आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षार द्वारा मानुष के उन्नत करते हबे एवं सेई ट्रेनिंग देवा हबे विशेष भावे तीन दिन आमादेर विभिन्न जायगा थेके एसेछेन तारा ट्रेनिंग देबेन। अच्छा अपनादेर मध्ये ट्रेनार दादा के के एसेछेन? आचार्य तन्मयानंद अवधूत, आचार्य बोधिसत्वानंद अवधूत एनारा एसेछेন मुख्य ट्रेनार हिसाबে। এবং এখানে আরো অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন কোথা কোথা থেকে এখানে ভক্তবৃন্দরা আসছেন দাদা? ভক্তবৃন্দরা আসছেন আসামের লামডিং, ডিমাপুর, ডিফু, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর, এদিকে ডিফু, কার্বি আংলং, তারপরে জাগিরোড, মরিগাঁও এবং নোয়াগাঁও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ সব আসবেন। ত্রিপুরা থেকেও আসছেন দেখছি, শ্রদ্ধেয় হরলাল দেবনাথ আপনি মুড়িগাঁও থেকে এসছেন। আপনাদের এখানে তিন দিন থাকা খাওয়ার কি সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে? সব ধরনের ব্যবস্থা আছে এখানে, থাকা খাওয়ার এবং যত কিছু সমস্যা সব কিছু এখানে ব্যবস্থা আছে। আপনি এত বড় যে প্রোগ্রাম করেন দাদা, তার ফান্ড কোথা থেকে পান? সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের ডক্টর সুজিত দেবনাথ ওনার সহযোগিতা অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, যার দ্বারা আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। আরও লোকাল মার্গিরা রয়েছেন, মার্গিরা আছেন, সবাই আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন। ধন্যবাদ দাদা, আজকে এই সুপ্রভাতে আমরা আপনাদের এই আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের ফার্স্ট ডায়োসিস লেভেল সেমিনার সাকসেস হোক এবং আনন্দমূর্তিজির একটি বাণী যে সন্মুখের পানে এগিয়ে চলে যাব আমি তোমার এই নামটি সাথে নিয়ে, চরণও টলিবে না গো আমার, ইয়া কাঁপিবে না কারুবে। আমরা দেখেছি আপনারা ওয়ার্ল্ডের 182টা কান্ট্রিতে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ডিএমএসের পরে আপনার ফার্স্ট ডায়োসিস লেভেল সেমিনার থেকে শুরু করে ব্লক লেভেল এবং একবারে গ্রামভিত্তিক লেভেলে আপনারা মানুষদের অ্যাওয়ারনেস দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং সর্বধর্মের মানুষকে এই মেসেজ দিতে চাচ্ছেন যে আমরা সবাই এক, মানব সমাজ এক অবিভাজ্য। নমস্কার, ধন্যবাদ দাদা, থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট ডায়োসিস লেভেল সেমিনার আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের পক্ষ থেকে উজায় কৃষ্ণনগরে চলছে এই সেমিনারে, বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে এই মানুষ এসছে। আমরা আজকে জানতে চাইব ওনাদের এই সমাজ দেশের জন্য কি চিন্তা ভাবনা। আপনার শুভ নাম? আচ্ছা, আপনি আমাদের এই দেশের নাগরিক হিসাবে কি চিন্তা করছেন? যাই হোক, আমাদের ডক্টর বাবুল হোসেন বলা আনন্দ কেলে আপ কাহা সে আয়া? আচ্ছা, আপ এ দেশ সমাজ কে লিয়ে কিয়া সুস্থ হ্যায় বলি? हमें आनंद मार्ग में इसलिए आया है कि हम समाज में और ये इस देश को हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम आनंद मार्ग में आए। धन्यवाद धन्यवाद, आप कुछ करना चाहते हैं आनंद मार्ग आके? आज का आपका क्या, आपका शुभ नाम क्या है? आप क्या सोचते हैं देश के लिए, क्या सोचते हैं ये समाज देश के लिए, क्या क्या मैसेज दे सकते हैं? कुछ अच्छा काम करना है आपको गांव जा करके? वो उन कुंगी है, वो कार्बिंग से आया, वो अच्छा काम करने के लिए ये देश है। तो बामनामुख चैनल का जो बामना है ये समाज देश के लिए बहुत सोचता है, एक ऑनलाइन चैनल है,
तो आप या आप क्या सोचते हैं देश का नागरिक हिसाब से आप क्या मैसेज दे सकते हैं? कहाँ पढ़ाया बच्चे को ट्रीटमेंट करने के लिए? क्या डॉक्टर का नाम क्या है? सुजीत देवनाथ है आपको पंचायत से। अब तो समाज का अच्छा हो भालो हुई है। अच्छा आप कहाँ से आया? আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ প্রচারক সংঘের পক্ষ থেকে যে সেমিনার ডাকল সেই সেমিনারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল আমরা আনন্দ মূর্তিজির যে দর্শন বা নীতি আদর্শটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া। ধন্যবাদ অরুলাল বাবু। আমরা বাঙালি সংগঠন একজন কর্তা, উনি সুদূর ত্রিপুরা সিধাই মন থেকে এসছেন। অরুলাল আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আপনার শুভ নাম? আপ কে সুস্থে দেশ কে লিয়ে? আমি তো এখানে আছি। নমস্কার, আমি ডক্টর সুজিৎ দেবনাথ বুঝাই আনন্দ মার্গ প্রচার সংঘ থেকে ভাবনা মুখের যে ভাবনা চিন্তাধারা এই সমাজের মধ্যে একটা অনলাইন চ্যানেল সমাজের সাধারণ নাগরিককে কীভাবে ওনাদের চিন্তাধারাটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এই চিন্তাধারা নিয়ে ভাবনামুখ এগিয়ে চলছে। আমরা ভাবনামুখ টিভি চ্যানেলকে অনলাইন চ্যানেলকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি সদর নরেশ জৈন মহোদয়কে, উনি আমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন যাতে আমাদের এই যে মেসেজ যে সমস্ত ভারতবর্ষে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। আজকে এই যে আনন্দ মার্গের সেমিনার ফার্স্ট ডায়োসিস লেভেল সেমিনার, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মমুক্তাং জগৎ ইতিহাস, নিজের স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মুক্তির সাথে সাথে জগতের কল্যাণ, আর হচ্ছে আত্মপীড়িত নিপীড়িত মানুষের সেবা করা চিকিৎসা করা। আমরা গত 27 বছর যাবৎ আমি ডক্টর সুজিৎ দেবনাথ উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসাম ত্রিপুরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমরা গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা ফ্রি দিচ্ছি, বস্ত্র বিতরণ করছি, আমরা এখানে আপনার মেডিসিন দেব, ব্লাড টেস্ট সুগার টেস্ট আমরা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে করছি। এখানে সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে রয়েছে কুংড়ি আমাদের মধ্যে রয়েছে নাম দিন থেকে আগত, এখানে আমাদের ত্রিপুরা থেকে এসছেন, সুতরাং এখানে এক মহামিলন। তাই আপনাদের সবাইকে জানাই এই মহামিলনে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আমরা যাতে দেশের জন্য কিছু কাজ করতে পারি। আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্রে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি উন্নতি করতে হয় গ্রাম থেকে তুলতে লাগবে, ওদের রুট থেকে তুলতে লাগবে, এবং এইভাবে আমরা গ্রামে গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন সেমিনার প্রোগ্রামের মধ্যে মানুষকে আমরা আর্থিক আজাদির দিকে নিয়ে যাব। নমস্কার, ধন্যবাদ।